नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2018 के बारे में। दोस्तों, जिसकी यहाँ पर आंसर की आपको डाउनलोड करना है, तो वह कहाँ से करें और कब करें, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आंसर की के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए ले चलते हैं डायरेक्ट RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप आंसर की जो है ग्रुप डी की बाइट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका है, जो कि 17 दिसंबर को लास्ट पेपर था। उसके बाद सभी विद्यार्थीगण यहां पर परीक्षा डेट और यहां पर एग्ज़ाम आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एग्ज़ाम की बाइट कब आना है और कहाँ पर आपको यह मिलेगी। तो दोस्तों, आपके लिए बता दें कि जो आंसर की आने वाली है वह जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाली है। चलिए आपको हम ले चलते हैं, यह कंफर्मेशन न्यूज़ भी आपको क्लियर करा दे रहे हैं कि यदि मैं जनवरी फर्स्ट वीक का बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह hindustan.com की न्यूज़ है, जहाँ पर यह न्यूज़ आई हुई थी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था लगभग 63,000 पदों के लिए जो भर्ती की गई थी, जिसमें 1.89 करोड़ विद्यार्थी यानी कि 1.989 करोड़ उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इस उम्मीदवार दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट थी उसका लगभग 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक चली थी। जो एग्ज़ाम परीक्षा होनी थी वह 17 सितंबर से 17 दिसंबर तक चली थी। और दोस्तों, इसमें जो परीक्षा की आंसर की है वह जनवरी के पहले सप्ताह में और रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में आना तय हो गया, यानी कि जारी हो सकता है। यह कंफर्मेशन के साथ hindustan.com की न्यूज़ है। इसमें कहा गया है कि जो परीक्षा की आंसर की है वह जनवरी के पहले हफ्ते सप्ताह और रिजल्ट जो है वह जनवरी के अंतिम सप्ताह, यानी कि जो आपकी आंसर की आने वाली है वह 1 जनवरी से 7 जनवरी के मध्य आ जाएगी, और इसके बाद रिजल्ट आएगा वह लगभग 20 से 31 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट भी घोषित कर देगा RRB। ऐसा यह बिल्कुल कंफर्मेशन न्यूज़ के साथ इसे hindustan.com ने छापी हुई है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी जो आंसर की है वह जनवरी के पहले सप्ताह में आ जाएगी, लगभग 8 दिन के अंदर यह आ सकती है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी जो रिजल्ट आने वाला है वह आपको आएगा कहाँ पर, आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर उस पर नया अपडेट पर जाकर आप अपनी आंसर की है भाई डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर भाई आपकी ID लॉगिन हो जाएगी, वहां से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा RRB से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की अपडेट की खबर मिलती रहे हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी की तरफ से। तो दोस्तों, यह वीडियो में बस इतना ही बताना था कि जो आंसर की है वह जनवरी के फर्स्ट भी आ जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, लगभग 8 दिन के अंदर आपके पास आपके एग्ज़ाम की आंसर की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।